हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम हैशटैग BCPSKV क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर n। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है और m हमारे पास यहाँ पे कोई इंटीजर है जिसे हम लेट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लिखते हैं लेट a be एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, 3m और 3m+1। तो हम यहाँ पे 3m+1 और 3m बनाने के लिए इसको क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे। जो फॉर्म हमें बनानी है 3 की फॉर्म बनानी है तो b लेट कर लेंगे 3। अब लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें ये पता है वेयर अब हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो रूल होता है DDQR का, वेयर जीरो, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर या तो जीरो होगा, या तो जीरो के इक्वल, या फिर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ऑलवेज क्या होता है, बी बड़ा होता है। ए इक्वल टू बी और यहाँ पे क्यू प्लस में आर, ये हमारा रूल है। तो हमारे पास हमने बी की वैल्यू क्या रखी है, 3। ए की हमने लेट करी थी, ए की वैल्यू हमें नहीं पता। ए इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो पुट कर देंगे क्यू प्लस में आर, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, क्योंकि स्क्वेयर करने के लिए क्वेश्चन में कहा है, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3q+r का स्क्वायर। ये वाला जो हमारा आया है ये किसकी फॉर्म में आया है, a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट जो होगी वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2। अब 2 तक क्योंगे, 3 केस बनेंगे इसमें, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो 3 से ही छोटे केस बनेंगे, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, b से छोटा होता है। 0, 1, 2 ये ऑलवेज क्या है, 3 से छोटे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और हम इनमें से कोई भी मेथड है यहाँ पर लगाएंगे। ए स्क्वायर, अब ओपन करेंगे इसको, 3, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया हमारा 9q का स्क्वायर, और हमारा हो गया, मैं इस वाली फॉर्म में लिख रही हूँ, 6qr प्लस में r का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हमारा केस फर्स्ट होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं केस फर्स्ट, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 0, 1, 2, ये देखिए 0, 1, 2, तो फर्स्ट केस में क्या रखेंगे, 0, सेकंड में 1 और थर्ड में 2, तो 3 केसेस हम क्या करेंगे इसके बनाएंगे। पुट r इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करते हैं a स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 6q और r की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 0, तो a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0, ए स्क्वायर और ये हमारा आ जाएगा 9q का स्क्वायर। अब हमें पता है अगर 9 है तो 9 के हमें 3 की फॉर्म में बनाना है इसे, तो 3 × 3 क्या होता है, इसका फैक्टर होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3q का स्क्वायर, तो ये हमारा। और ये वाला एक बात हम ऑलवेज याद रखेंगे, जब भी इंटीजर की इंटीजर से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या बनाता है, इंटीजर। तो हमारे पास क्यों यहाँ पे क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटीजर बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई है तो हम सीधा सिंपल वे जो याद रखेंगे, जो ब्रैकेट वाला है डिजिट इसको ऑलवेज क्या मान लेंगे, जो भी हमारे ब्रैकेट में आएगी उसे एम एम मान लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे वेयर
एम इक्वल टू में 3q का स्क्वायर, जहां m की हमने क्या मान लिया वैल्यू, ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, और यहां पे लिख सकते हैं 3, और यहां पे लिख देंगे इसको m। और केस सेकंड करेंगे अब हम, केस सेकंड है हमारे पास, अब केस सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू किस में पुट करेंगे, a स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस में 6qr प्लस r स्क्वायर, तो इसमें हम कर देंगे वैल्यू पुट। अब इस बार पुट करेंगे पुट r इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू में 9q का स्क्वायर प्लस में 6q, और r की जगह पे 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 9q का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी हमारे इस पूरे डिजिट से, तो वो हो जाएगा 6q और 1 का 1। नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन यहाँ पे 3 है, हम q को नहीं लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 3 9, 3 2 6, और प्लस में 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जो भी डिजिट ब्रैकेट में आएगी उसको ऑलवेज क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q ए स्क्वायर। और हम अब हम जो ये ब्रैकेट वाला वैल्यू है इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, m, क्योंकि ये m के इक्वल है, 3m+1। तो हमारे ये जो क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई थी इसी को बनाने के लिए हमने m इक्वल टू ये पुट कर लिया था। नाउ केस थर्ड में अब हमारे पास है, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर 9q का स्क्वायर 6qr प्लस में r स्क्वायर, और हमारे पास क्या पुट करना है, पुट r इक्वल टू 2, पहले 0 रखा था फिर 1 और अब 2, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में 6q और यहाँ पे 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू में 9q स्क्वायर, 6 2 12 हो जाएगा, ये 12q हो जाएगा, और 2 2 4। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम दोनों इनमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो पहली वाली डिजिट थी इसमें 1 था, सीरीज थी, यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है, तो एक चीज़ हमें पता है, देखिए अगर मैं 4 को ये लिख लूँ 3+1 इक्वल टू क्या है 4, ये लिख लूँ तो कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि 3+1 भी क्या होता है 4 होता है, तो मैं इसी में इसको रख लूँगी, ऐसे रखेंगे 9q का स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3+1। अब हमें एक और बेनिफिट ये मिला जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन क्या आ गया 3, देन 3 3 9, 3 4 12, और यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये वाला जो 1 है उसे बाहर रखेंगे। ए स्क्वायर अब मैंने बताया था आपको फिर से कि जो भी वैल्यू मेरी क्या होगी ब्रैकेट में होगी ऑलवेज उसे क्या करेंगे, m मान लेंगे, वेयर, बस हमें यही बात याद रखनी है हर कंडीशन में, जो भी हमारी ब्रैकेट वाली डिजिट आएगी उसे क्या मान लेंगे, m, 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, 3, और इस ब्रैकेट वाली पूरी चीज जाकर आप पुट कर सकते हैं, इसको m पुट कर सकते हैं, 3m+1। तो यही हमारा था, ये हो गया सॉल्यूशन, 3 केस हमने बनाने थे जो कि हम बना चुके, और लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला था हम लाइन वो लिख देंगे, देयरफोर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, और यहाँ पे लिख देती हूँ इसको मैं 3m+1। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर।